अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मोबाइल लाइफस्टाइल कुकिंग एंड अर्ली एजुकेशन व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट स्पंज केक। जी हाँ, और इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है, फेसबुक पे एक पेज पर कॉम्पिटिशन हो रहा है मैंगो जो कि किंग ऑफ फ्रूट ऑब्वियसली मैंगो है, तो उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा है कि मैंगो से रिलेटेड आप कोई भी डेजर्ट बना सकते हैं, कोई भी शेक बना सकते हैं, कोई भी ड्रिंक बना सकते हैं, कुछ भी। और उन्होंने तीन कैटेगरी रखी है, एक रखी है एक्सपर्ट की कैटेगरी, एक रखी है बिगनर की कैटेगरी, और एक रखी है किड्स कैटेगरी। तो मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया है बिगनर के लिए, इसलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ चॉकलेट स्पंज केक। अब मुझे मैंगो यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट स्पंज केक। तो जी हाँ, मैं आप लोगों से ये चीज़ भी शेयर करूँगी अपनी इसी वीडियो के पार्ट टू में। ये पार्ट वन वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी चॉकलेट स्पंज केक। ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन वो जो है थीम के साथ मिक्स हो जाता है, तो आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल होती है। अगर जिसको चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी चाहिए तो मेरी इस वीडियो को देखिए, और इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी चॉकलेट स्पंज केक मेरी इस रेसिपी से बना सके। एक्चुअली मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने रेसिपी ट्राई बहुत सारी की, जो मुझे परफेक्ट रेसिपी लगी वो ये रेसिपी है। तो चले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो हमें चाहिए 5 लार्ज एग। तो हमने ये 5 लार्ज एग वाइट अलग कर ली है और 5 लार्ज एग योक अलग कर लिए है, ठीक है। उस रेसिपी में था 4, मगर मैं वेस्ट नहीं कर रही, मैंने 5 की 5 ले ली हैं एग योक भी, 5 एग वाइट। और हमने ले लिया है फाइन शुगर या कैस्टर शुगर आप ले सकते हैं 120 ग्राम, ये मैंने ले ली है, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं 1 टीस्पून वाइट विनेगर, तो ये वाइट विनेगर रखा हुआ है, तो 1 टीस्पून आपने वाइट विनेगर लेना है। प्लेन फ्लोर लेना है 90 ग्राम, प्लेन फ्लोर लेना है 90 ग्राम, ठीक है। और आपने लेना है कोको पाउडर 30 ग्राम, हियर इज कोको पाउडर 30 ग्राम, ठीक है। हमने कोको पाउडर ले लिया 30 ग्राम, एंड 1.5 टीस्पून आपने लेना है सॉल्ट, मैंने ये सॉल्ट 1.5 टीस्पून लेके ये रखा हुआ है, ठीक है। और हमने लेना है 20 ml ऑयल और लेना है 30 ml मिल्क। तो मैंने इसमें पहले ले लिया था, इसमें मार्क हुआ हुआ है, पहले मैंने ले लिया 30 ml मिल्क, फिर इसमें और 50 करके मैंने ले लिया 20 ml ऑयल। और हम लेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, तो ये रहा हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और ये टेबल स्पून भी रख लिया है। चले जी, हम चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एग योक, हमने एग योक ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एग योक के साथ, क्या करेंगे देखते हैं, मेरे साथ देखते रहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एग योक को, ओके। इसमें हम डाल देंगे मिल्क एंड ऑयल, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सॉल्ट, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, अब हमने स्ट्रेनर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर, और मैदा, ठीक है। इसको स्ट्रेन करते हुए और अपने बैटर को मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने स्ट्रेन करते हुए इसको मिक्स करना है। जो मेरे बाउल में बचा हुआ कोको पाउडर था मैंने वो भी डाल लिया। इसको हमने फोल्ड करके अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करना है। कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया, चॉकलेटी टाइप।
चले जी, इसको हमने रख दिया साइड पर। अब हम ले लेंगे अपना बड़ा बोल, ठीक है। उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, आपने क्लीन बोल लेना है ताकि इसमें कोई स्मेल ना हो। उसके अंदर हमने डाल दी है अपनी एग वाइट्स और इसको अब हमने बीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि एक दफ़ा मेरी बीटिंग सही नहीं हुई थी, बीट कर करके हुआ नहीं था, तो हमें हर काम करने शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, जो कि समटाइम हम भूल जाते हैं, लेकिन जब याद आए तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून विनेगर और इसको बीट करेंगे। अब स्लोली स्लोली इसमें हम डालते रहेंगे फाइन शुगर जो हमने ले ली थी। हमने 5 एग वाइट ले ली, उसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून विनेगर और इसमें अब हम डालते रहेंगे स्लोली स्लोली बीटर ऑन करके शुगर डालेंगे। ये मैंने शुगर ले ली थी घर की, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप जो है बाज़ार से भी ले सकते हैं कैस्टर शुगर या फाइन शुगर, ठीक है। स्पीड बढ़ाते रहेंगे हम और इसमें डालते रहेंगे अपनी ग्राइंडेड शुगर। और अबान साहब आ चुके हैं, अल्लाह खैर करे मेरे केक का। हेलो अबान, मामा इज हाय, आई एम मेकिंग केक फॉर यू। नो इट्स ऑयल, इट्स ऑयल। वेयर आर यू गोइंग? कम हियर। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं चीज़ें देखती जा रही हूँ मुझे पता चल रहा है ये स्टिफ पीक क्या होता है और किस तरह बैटर को, एग वाइट को किस तरह बीट करना है, कौन सी फोम में आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ मैं भी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। तो इससे आप मेरी वीडियो से ये भी देख सकते हैं कि जिनको बेकिंग सीखनी है वो घर बैठे बैठे किस तरह से बेकिंग मेरी तरह सीख सकते हैं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। स्पीड तेज़ करते जाएँ। ये देखें अभी भी नहीं हुई। अगर आपका एग वाइट इस तरह गिर रही है तो और बीट करना है, उस वक्त तक बीट करना है जब तक एग वाइट इस तरह हो जाए कि हम बोल उल्टा करें तो गिरे ना। और हमने अपने ओवन को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट करने रख दिया है। जी तो हमारी एग वाइट हो गई है बीट। ये देखिए हमारे उससे बोल से गिर भी नहीं रही। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जो हमने कोको पाउडर से और एग योक से जो बैटर तैयार किया था उसको और ये एग वाइट के बैटर को मिक्स करेंगे हम। चलें जी, हमारी जो एग वाइट थी वो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी और इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। बीच से कट किया और फोल्ड किया। इस तरह फोल्ड करना है, मिक्स ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। दो दफ़ा हम एग वाइट लेके इसमें डाल देंगे, फिर ये सारा बैटर एग वाइट में डाल देंगे।
हैं बेकिंग में, आपका फेवरेट टूल कौन सा है? मेरा फेवरेट टूल तो वैसे तो सारे ही टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेकिंग में, चाहे वो हैंड बीटर या विस्क हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो स्पैचुला है। ले लेते हैं। कि हमारा बैटर हो गया तैयार, हमने मोल्ड ले लेना है, उसमें हमने बटर से ग्रीसिंग करनी है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर से ग्रीसिंग करके आप बटर पेपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। अब इसमें हमने डाल देना है मैदा और हर तरफ स्प्रेड कर देना है। टूथपिक, नाइफ, किसी भी मदद से इसकी एयर बबल निकाल लेंगे हम। अब इसको हम रखते हैं 150 सेंटीग्रेड पे 35 मिनट के लिए, टॉप टू बॉटम दोनों ऑन रखेंगे। उसके बाद हम करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। अभी हम करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड 35 मिनट, लेकिन मैं जब भी बेक करती हूँ 35 मिनट नहीं लगते, 40-45 मिनट मेरी बेकिंग को लगते हैं। मेरा ओवन जो है 45 मिनट तो लेता ही लेता है, तो मैं इसको करूँगी 45 मिनट तक। उसके बाद मैं कर दूँगी इसको 170 पर 5 मिनट। चले बेकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह फॉर द बेस्ट। अच्छा है अभी। फ्रेंड्स, तो केक हमारा हो गया था तैयार, हमने कर लिया था इसको ठंडा, अभी भी हल्का गर्म है। अब इसको मैं निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको।
सो फ्रेंड्स, हमारा केक हो चुका है तैयार। आप लोग देख लें, मैंने ऊपर से एक लेयर जो है वो उतार दी है, और जो है माशाल्लाह से आप देख लें कितना थिक बना है। और ये इसकी वो देखें, और इसकी कटिंग मैं कल करूँगी इंशाल्लाह। ये साइडें जो हैं ये देखें आसानी से उतर रही है, तो ये हाथों से उतार लेंगे। टॉप भी ऐसे ही उतरा है आसानी से। खैर, उसके लिए मैंने नाइफ यूज़ की थी। तो हमारा केक हो चुका है तैयार। क्या इसका स्पंज बना है, आप चेक करें, इसको प्रेस करके देखें और छोड़ें। अगर वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है, इट्स मीन केक का स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जो एक्स्ट्रा होता है वो मैंने कट कर लिया है, और ये हमारा हो गया है केक तैयार। अब कल मैं ज़बरदस्त सी एक थीम बनाने जा रही हूँ, और वो थीम आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि आखिर वो क्या थीम है, मैंगो से रिलेटेड क्या बनाऊंगी मैं इस केक का। और आई होप कि मैं विनर बनूं। और ये केक का हिस्सा नज़र आ रहा होगा आपको, ये अबान ने नोच लिया है, और अबान ने रिव्यू दिया है कि यम्मी, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो हमारा स्पंज केक हो गया है तैयार। काओ से परफेक्ट, काओ इज़ गिविंग मी थम्स अप। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे थम्स अप दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को मिलती रहे मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्पंज केक की एक थीम बना के दिखाऊंगी, और वो थीम क्या है वो है सरप्राइज, और वो मैंगो से रिलेटेड है। तो देखते हैं मैंगो को माइंड में रख के स्पंज केक बना के मैंने क्या थीम सोची है। गैस कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। मैंने थीम डिसाइड कर ली है, बहुत सारी प्लानिंग कर ली है, और यकीन रखा है अपने ऊपर कि इंशाल्लाह मैं बना सकती हूँ, और बाकी काम अल्लाह के हवाले। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।